सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आपका विशेष ध्यान हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के आधार पर आप कोई शेयर्स खरीदते हैं, तो पिछली बार भी मैंने वीडियो में यही कहा था कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट करें, कोई भी पैसा मार्केट में लगाते हैं, तो प्लीज आप मुझे एक बार मुझे फोन कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए कि इस शेयर में मैं पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं, या मैं करने जा रहा हूं, आपकी क्या राय है। मेरा देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरे इस वीडियो के नीचे अभी भी आपके सामने दिख रहा है। तो ये सभी वीडियो में मेरे व्हाट्सएप नंबर क्यों दिए गए हैं कि आप उसे संपूर्ण रूप से पूछिए, जानकारी लीजिए। क्योंकि मेरे वीडियो में आप ये देखकर कोई भी बड़ी रकम आप इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में चिंता का विषय बन जाता है, तो वो गलती आपकी होती है। आप इन्वेस्ट करने के बाद अगर मुझे पूछते हैं तो सबसे बड़ी गलती है। और मैंने पिछले वीडियो में इस बात को दोहराया भी था कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट करें बड़ी रकम, प्लीज एक बार आप मुझे फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। और एक बार आप शेयर खरीद लेते हैं बड़े पैमाने पर बड़ी रकम में, और दूसरे दिन तीसरे दिन मार्केट बैडली नीचे आ जाता है, तो आपकी हालत क्या होती है वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उस हालत को बिगाड़ने का कारण तो आप ही बने ना, क्योंकि फियर फैक्टर फिर शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं भाई मार्केट में आज पैसा डाल दिया और कल से बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में समय लगता है, और जब भी मैंने टारगेट दिया उसमें मैंने कई दिनों में या महीनों की बातें की है, तो फिर उस पर आप कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो ये आपकी गलती हुई। तो कृपया मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं बड़ी रकम, मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, एनी टाइम, जो मैंने टाइम बताया है उसमें भी कहा हूं कि जस्ट आप कभी भी शाम को या जस्ट 6 से 8 में कभी भी मुझे फोन करिए, इसके बारे में पूछिए पहले, आप निर्णय बहुत बड़ा लेने जा रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बड़ी रकम जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो फियर फैक्टर ही हमें निर्णय गलत करने की ओर ले जाता है। देखिए अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, कल मार्केट बहुत क्रैश भी होगा तो आप पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 लाख रुपए जब आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट कल को देखेंगे कि 1-2 लाख का लॉस है, आप पूर्ण रूप से गलत निर्णय लेकर लॉस करके निकल जाएंगे। तो उसका कारण कौन हुआ? उसका कारण आप स्वयं हुए, क्योंकि आपका कदम, जो आपका कदम है वो गलत कदम है। मार्केट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। और मैंने पिछले 2-3 वीडियो में यही कहा है, आप पैसा उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपके खोने के बाद भी आपको कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपको 1 लाख रुपए डालने के बाद ये फील होता है कि मेरा 1 लाख का 1,000 हो जाए, वही कोई गम नहीं है, तब आप करिए इन्वेस्ट 1 लाख। इतना हिम्मत और गट फीलिंग करके तब मार्केट में इन्वेस्ट करिए। ये मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि जब भी आप पहले इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए या मैसेज करिए। ये मैं फिर से आपको निवेदन कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे फिर एक फोन आते हैं जिसके कारण मैं चिंतित हो जाता हूं कि ये क्या किया आपने, कम से कम एक बार पूछ तो लेते। आज बाजार में हम टमाटर लेने जाते हैं 40-50 रुपए किलो का, क्या करते हैं 40-50 रुपए के टमाटर को 4 बार देखते हैं, कोई खराब तो नहीं है, पिचका तो नहीं है। वहां आप 40-50 रुपए जब चीज ले रहे हैं इतना ध्यान से देख रहे हैं, और जब लाखों का इन्वेस्ट होता है तो फिर वहां आप तब तो बहुत ज्यादा ध्यान देकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये क्या है, ये आपको सही निर्णय लेना आना चाहिए, और नहीं तो आप मुझे फोन करिए, पूछिए मुझसे, मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। देखिए दोस्तों, सत्य यह है कि मैंने आपसे ज्यादा जिंदगी में गलतियां की है स्टॉक मार्केट में, इससे आज मैं मजबूत हूं, इससे मैं आज चट्टान की तरह हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं पिछले 25 साल में, 10-20 साल में मैंने बहुत भारी गलतियां की, और उस गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसी कारण से आज मैं पूर्ण हूं और संपूर्ण हूं इस विषय में। अब मुझसे, मैं जानता हूं कि कौन क्या गलतियां कर सकता है, ये मैं भली भांति जानता हूं, और उस गलतियों को रोकने का रूप स्वरूप मैं दे सकता हूं कि आपको कहां रुक जाना चाहिए, कहां आपको अपने में संयम रखना चाहिए, ये मैं अच्छे से जानता हूं। इससे मैं आपको सही सलाह दे सकता हूं। उस सही सलाह को लेने के लिए पहले तो आप कम्युनिकेशन तो कीजिए, मैसेज तो कीजिए, कॉल कीजिए। ये भी नहीं करेंगे तो फिर आप अगला फिर क्या कहना।
बस दोस्तों इसीलिए मैं पहले आपसे ये कहना चाहता था, जो मैंने कहा उसको अच्छे मायने में आप लीजिएगा, क्योंकि यही सब तो कारण है मैंने ये सब सर्विसेज किसके लिए शुरू किया है, आपको बचाने के लिए। वास्तविकता ये है। इसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। मेरे किसी भी वीडियो में मैंने कहीं नहीं कहा कि आप बड़ी रकम डालिए। क्यों कहता हूं थोड़ा थोड़ा, दो शेयर IRCTC में मैं क्या कहूं, मेरा दो शेयर लीजिए, पांच शेयर लीजिए, ऐसा कहूं। लेकिन कई लोग 100 शेयर 1000 शेयर खरीद लेते हैं, तो ये तो गलतियां हुई ना। तो अब आप ये सोचते हैं कि यहां से बढ़ेगा, और मैंने हर वीडियो में IRCTC के वीडियो में भी यही कहा है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में सोचकर करिए। आप आज इन्वेस्ट किए कल ही सोचेंगे बड़ा हो जाए, कल ही सोचेंगे बहुत ऊपर चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में। इन सब बातों का ध्यान दीजिए दोस्तों, और बस यही कहूंगा, और आप जरा आपका ध्यान आकर्षित हो। मैं जस्ट आज इसलिए वीडियो ज्यादा जरूरी बनाना मैंने सोचा कि कुछ आप गलतियां ना करें, इसके लिए वीडियो बनाना मेरा अनिवार्य हो गया। चलिए आपका ध्यान हो। आज IRCTC का देखिए करंट मार्केट प्राइस 1389.20 एज ऑन 14 मई 2020। मार्केट कैप 22,227.20 करोड़। ये मेरा 14th पार्ट चल रहा है दोस्तों। और IRCTC के बारे में मैंने जो स्टडी किया है वो लगभग सब सही रहा है दोस्तों, ये तो सत्य साबित है, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने फिर ये दोहराता हूं दोस्तों कि जब भी आप इन्वेस्ट करें आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करिए। देखिए अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस एनालिसिस के अंदर, जिसमें मैंने पिछली बार वीडियो में कहा था कि 1190 के आसपास जाके अगर वहां से नीचे गिरा तो फिर हम अगला प्लान करेंगे कि क्या करना है। आप यही देखिए दोस्तों कि इस दौरान पिछले एक महीने में IRCTC ने क्या किया। सबसे पहले वो 1500 तक गया, जहां से वो 800-900 को आगे बढ़ता गया। बीच में वो लगातार आप जानते ही हैं लगातार अपर सर्किट में रहा, और फिर खुला 1200-1300 के आसपास, और खुलने के बाद 1500 तक गया। 1500 से होकर फिर डायरेक्ट ये पहुंचा यहां 1190 तक, और ये 1190 से इसने अपना यात्रा जो है पूरा किया 1475 तक, जो आज की तारीख में सुबह का विषय बना। जैसे 1475 इसने टच किया वहां से बिकवाली शुरू हुई। इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं इसका न्यूज आ गया मार्केट में कि 30 जून तक इतने सारे मतलब जो बुकिंग थे सब कैंसल हो गए हैं, तो 30 जून तक का कोई बात विषय नहीं, तो वहां से बिकवाली तेजी हुई, और उस बिकवाली में इसका आज का क्लोजिंग आ गया 1389। एग्जैक्टली 89 रुपीज से नीचे आया। तो कुल मिला के यहां से 1190 से लेकर 1475 तक इसने 285 रुपीज का प्लस रूप दिया। अब पॉइंट ये है कि अब जब न्यूज आते हैं तो न्यूज जब आते हैं और अक्सर ये देखा गया है कि तुरंत फिर अपर सर्किट लग जाता है, तो आप खरीद नहीं पाते, आप व्याकुल हो जाते हैं, शेयर लेना है। क्यों व्याकुलता आप बढ़ाते हैं? शांत रहिए, शेयर ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, क्योंकि यही व्याकुलता जो आपका बेचैनी जो है ना, यही मार्केट में सबसे ज्यादा गलती करवाता है, ये आप समझ लीजिए पहली बार। तो अपनी व्याकुलता और बेचैनी को मत बढ़ाइए मार्केट में, जिसके फलस्वरूप आप गलतियां ही करते हैं। फिर यहां पर क्या हुआ, पिछली बार उससे सबसे पहले 1500 से फिर 1190 आया, और यहां 1100 से लेकर 1475, यानी इसका यहीं तक जाने का एक रेंज था, इससे ज्यादा ऊपर जाने का कोई बात ही नहीं था। कोई भी न्यूज अब ये निश्चित है कि जब तक ये 1500 रुपया नहीं तोड़ता है तब तक ये इसी रेंज में अब चलेगा, अब इस बात का संकेत हो गया है, आप इसको भली भांति समझ लीजिए। तो IRCTC 1500 जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा, तब तक ये या तो उसी लेवल से नीचे आएगा, फिर 1300, फिर 1200, फिर आगे पीछे जो भी है, फिर मैं आगे कहूंगा क्या होना है। तो कुल मिलाकर आप कोई भी बड़ी रकम यहां इन्वेस्ट मत करिए। दो शेयर चार शेयर वाली बात अलग है, क्योंकि हर लेवल पे शेयर खरीद लीजिए। किसी भी लेवल पे मैंने एक दो शेयर ले लिया, चलो हमने कोई मौका तो खोया नहीं। और आप देखते हैं कि न्यूज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है मार्केट पे। एक न्यूज क्या आ गया, बुकिंग शुरू हो गई, तुरंत मार्केट अपर सर्किट।
तो फिर ये भी तो सोचे कि अभी चल क्या रहा है, समस्याओं से घिरे हुए हैं, कभी भी फिर लॉकडाउन बढ़ जाता है या बढ़ जाएगा, आप तो देख ही रहे हैं कैसे कैसे समय के साथ साथ लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब संकेत क्या है, यहाँ व्यापार बढ़ना है मुश्किल है। जब आप देख रहे हैं इसका व्यापार अभी आगे होना है या कोई भी काम विषय नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पहली बार तो बड़ी रकम इन्वेस्ट करना ही होना है। हमें थोड़ा सा जो भी है 2 शेयर 5 शेयर डाल दिया, ठीक है, हर लेवल पे हमने जमा करते जा रहे हैं शेयर, और हमारा नजरिया लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म में ये शेयर शाइनिंग स्टार होगा, लेकिन वर्तमान में आने वाले कुछ दिनों में महीनों में हालत बड़ी नाजुक चलेगी। तो जब वर्तमान नाजुक स्थिति में है तो उस तरह से आप भी चलिए, उस तरह से आप भी लिमिटेड काम करिए, थोड़ा शेयर करिए, थोड़ा इन्वेस्ट करिए, ज्यादा और बड़ी रकम नॉट एडवाइजेबल, बिल्कुल नहीं। जब तक आप कैलकुलेटिव रिस्क, देखिए कोई भी आप रिस्क अगर कैलकुलेटिव लेते हैं तो तब आप वहां सही होते हैं, लेकिन भावनाओं के साथ बड़ा रिस्क लेते हैं तो आप गलत होते हैं। हम जो रिस्क लेते हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक रेंज में जाएगा, यहां भी नीचे आएगा, ठीक है, फिर भी वो ऊपर, तो हम जानते हैं कहां से कहां तक ये शेयर जा सकता है, वो कैलकुलेटिव रिस्क होता है। आप भावनाओं में आ जाते हैं, कोई अच्छा न्यूज आ गया, कहीं टेलीविजन में देख लिया, ये है वो है, चलो डाल देते हैं, गलत है, कदम ही हमारे गलत है। तो सबसे पहले आप फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी बड़ी रकम या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कृपया आप मुझे एक बार मैसेज कीजिए, फोन करिए, कॉल करिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए आपके सामने ही है, 8169617238 और दूसरा 9870188218। इसमें आप कभी भी मैसेज कीजिए, कॉल करिए, कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, इन चीजों का आप विशेष ध्यान दीजिए। बस चलते चलते मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप यहां पर अब मार्केट में क्या है, अब सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है या बीच में फिर ये ऊपर आएगा, न्यूज के आधार पर है दोस्तों। ये आने वाले 3 महीने में मार्केट में IRCTC का जो भी रूप चलेगा वो न्यूज के ऊपर चलेगा, न्यूज के कारण ऊपर, न्यूज के कारण नीचे। तो जब आप इस चीज को जान चुके हैं तो वो बजट भी उतना ही बना लीजिए कि भाई मैं 5,000 ही इन्वेस्ट करूंगा, मैक्सिमम 10,000 ही इन्वेस्ट करूंगा इस दौरान, ये 3 महीने तक, फिर बाद में वो स्टेबल हो जाएगा, दुनिया सब सही हो जाएगी, कार्य बहाल हो जाएंगे, तो फिर ठीक है, तब तो मैं धीरे धीरे बड़े पैमाने पर भी थोड़ा सोचूंगा कैसे करना चाहिए। तो यही सही तरीका है दोस्तों, आप इन्वेस्ट करिए लेकिन कम पैमाने पे, और जब बड़ा कोई इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, कॉल करिए दोस्तों, ये मैं पर्सनली आपको कहूंगा। बाकी तो हमारे बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसमें हमारे मेंबरशिप का कार्य भी से चल रहा है, इसके साथ रिस्क एपिटाइट ग्रुप भी हमारा चल रहा है, और फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, उसमें सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।